रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सातवीं साइंस ब्रिज कोर्स का अमली खाका 11। आइए समझें हरकत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आने वाली हरकत और हरकत की किस्में। हवाला जमा शशम सबक नंबर 9 हरकत और हरकत की किस्में। मतोक़ सलाहियतें ज़ाहरी खसूसियात की बिना पर चीज़ों जानदारों अमाल की जमात बंदी करता है, जैसे माहौल के हयाती और गैर हयाती अज्जा का ताल्लुक, हरकत ख़त्ती दायरवी और तौरी हरकत वगैरह। आइए जहन नशीन करें। हरकत करती चीज़ को मुतहरक चीज़ कहते हैं। किसी शय की मुकर्रर वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली को शय की हरकत कहते हैं। हरकत करते हुए कुछ शक्लें नज़र आ रही, आप यहाँ नज़र देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर एक फिरनी जिसको कहते हैं, क्या नाम, आप अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, ये घूमती हुई नज़र आ रही है। हवाई जहाज़ दिख रहा है, कुछ लोग ट्रेन में बैठते हुए सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई शय मुकर्रर वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है तो वो हरकत में है। मुशाहिदा करने वाले को अगर कोई चीज़ मुसलसल जगह बदलती नज़र आए तो कहा जाता है कि वो हरकत में है। आइए हरकत की किस्मों को समझें। खत्ती हरकत, अगर कोई शय एक ही खत यानी सीध में एक ही सिमत से सफ़र करती हो तो ये शय की खत्ती हरकत कहलाती है। और खत्ती हरकत की भी दो किस्में हैं। यकसा खत्ती हरकत, किसी शय के ज़रिए इकाई वक्त में तय किया फासला जब मुसलसल मसावी होता है तो उस हरकत को यकसा हरकत कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फ़ौज के या पुलिस के जवान हैं वो जब परेड करते हैं तो बराबर टाइम उनका मसावी रहता है, एक जितना इकाई टाइम उतने में हर बार उतना ही फासला तय करते हैं। तो यकसा खती हरकत है। गैर यकसा खती हरकत, अगर किसी शे के ज़रिए एक वक्त में तय किया हुआ फासला मुसलसल बदलता है तो शे की हरकत को गैर यकसा खती हरकत कहते हैं। यहाँ फिसल पट्टी से लड़की फिसलती हुई नज़र आ रही, जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इस तरह से हम इसको हम कहेंगे गैर यकसा खती हरकत। अब आइए मश करें। यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं, इन सवाल को हल करिए। इसको आपको खुद से हल करना चाहिए, लेकिन अगर आप इनके जवाब चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इस अपने हिसाब से यहाँ पर लिख कर दूँगी, इसे पढ़ लीजिएगा और फिर कोशिश करिए खुद से लिखने की, क्योंकि ये इस तरह के सवाल हैं जो हर एक के